Hello everyone, welcome back to my channel Biology with Mansi. In this video, we will discuss about endomembrane system of cell. So before starting the video, I want to tell you all ki main Khan Academy pe educator hu. This is my profile on Unacademy. You can join my free live classes only on Unacademy app. You can also use my code MGNEET for 10% discount on all Unacademy subscription. You can also join my group, that is Telegram group Biology with Mansi, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. So let's start our topic, endomembrane system of the cell. So what is endomembrane system? So endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. Because these their functions are coordinated. इसका मतलब है जो endomembrane system है उसके अंदर हमारे पास चार organelles आती हैं. First is endoplasmic reticulum, that is ER. Next is Golgi complex or Golgi apparatus. Next is lysosomes. एंड लास्ट वन इज वैक्यूम. ऐसा क्यों? बिकॉज इन चारों के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है. मतलब किसी एक भी ऑर्गेनेली का फंक्शन रुकेगा तो बाकी तीन ऑर्गेनेलीज डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो अब हम देखते हैं इनका फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेटेड. तो जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा बनाता है आरएनए, दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो जो इन आरएनए होता है वो कहाँ पे जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है. ये है हमारे पास न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस. इसके अंदर एक है न्यूक्लियर पोर एंड न्यूक्लियर एनवेलप. ये जो आरएनए न्यूक्लियस में बनेगा वो ट्रांसफर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है जो कि क्या करते हैं, न्यूक्लियस से प्रोटीन बनाते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, हमारे प्रोटीन्स बनेंगे आरएनए से. जो आरएनए से प्रोटीन बने ईआर में वो ट्रांसफर होंगे हमारे गोल्जी बॉडी में, जहां पे क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी उस प्रोटीन की और उस प्रोटीन की पैकेजिंग होगी. तो इन तीनों चारों के जो फंक्शंस है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस से हमारा आरएनए बनेगा, वो आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद गोल्जी बॉडी में जाएंगे, उनकी पैकेजिंग होगी और फाइनली वो रिलीज आउट हो जाएंगे सेल में. तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गेनेल की, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क है. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं. जो ईआर है वो डिवाइड करता है इंट्रा सेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में. फर्स्ट इज लुमिनल पार्ट, दैट इज जो कि ईआर के अंदर प्रेजेंट होता है. एंड नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स की. तो पहला टाइप है, दिस इज फर्स्ट टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम अटैच्ड टू आउटर सरफेस. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम 60S ऑन द सरफेस इज कॉल्ड राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पे, और जो राइबोसोम की 60S सब यूनिट होती है वो उसके सरफेस पे अटैच रहती है. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? जिनके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम की 60S यूनिट अटैच रहती है उनकी सरफेस पे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर और इसमें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर ये राइबोसोम अटैच है और राइबोसोम का भी 60S सब यूनिट अटैच रहते हैं सरफेस पे. नेक्स्ट टाइप इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ अपियर करते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, SCR, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है ये हमारा न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है इससे कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं हमारे ER. तो ये हमारे पास ER. तो जो ER होता है वो न्यूक्लियस से कॉन्टिन्यूटी में रहता है. अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन होते हैं. तो जो RER है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, RER के पास होते हैं राइबोसोम जो कि क्या करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं. प्रोटीन बनेगा तो एंजाइम भी बनेगा, तो इसी पे क्या होते हैं, एंजाइम प्रोडक्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है एंजाइम एंड प्रोटीन का. सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसपे क्या होता है, इसपे हमारे लिपिड सिंथेसाइज होते हैं, विटामिन सिंथेसाइज होते हैं और स्टीरोइड सिंथेसाइज होते हैं. इनपे हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते क्योंकि इनके पास
राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, और ये क्या करते हैं, ये मसल सेल्स में कैल्शियम को भी स्टोर करके रखते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की, दैट इज सेकेंड एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था 1898 में। उसने क्या डिस्कवर किया था, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था न्यूक्लियस के पास, इसलिए इसको नाम दिया गया गोल्जी बॉडीज। ये क्या होते हैं, ये एक फ्लैट या डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं, और सिस्टर ने जिनका क्या डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर तक। तो ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस, ये इसके पास एक सिस फेज और इसके पास होता है एक ट्रांस फेज, और ये हमारे पास सिस्टर्नी। ये सैक्स हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टर्नी। ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे पैरेलली अरेंज होते हैं, इनका जो नंबर होता है सिस्टर्नी का ये वेरी कर सकता है। तो हमारे पास गोल्जी बॉडी के पास दो फेज होते हैं, एक फेज होता है हमारे पास सिस फेज जो कि कन्वेक्स शेप का होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज, एंड सेकेंड इज कनकेव फेज दैट इज ट्रांस फेज जिसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज। तो हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स दैट इज गोल्जी अपरेटस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन होता है इसको पैकेज करवाना होता है मटेरियल्स को, और फाइनली कहाँ पे डिलीवर करना होता है, सेल्स में डिलीवर करना होता है या फिर सेल के बाहर डिलीवर करना होता है। सेकेंड फंक्शन इसका क्या होता है, ये अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन ईआर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो जो प्रोटीन्स ईआर ने बनाए हैं तो वो क्या करता है, जो ईआर ने प्रोटीन्स बनाए हैं वो गोल्जी में आके मॉडिफाइड होते हैं और फाइनली वो फिर ट्रांस फेज से रिलीज आउट होते हैं। तो सेकेंड फंक्शन हो गया मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन्स का, और पहला फंक्शन हो गया पैकेजिंग करवाना और उनको सेल के बाहर या फिर सेल किसी और सेल में ट्रांसफर करना। गोल्जी अपरेटस इज इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन इज ये क्या करता है, ग्लाइको प्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन भी करता है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद सिस फेज एंड मूव्स टुवर्ड मैच्योरिंग फेज। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मेरे पास है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, इसने बनाया आरएनए। ये आरएनए ने क्या करा, ये आरएनए गया ईआर के पास, दिस इज ईआर, यहाँ पे है मेरे पास राइबोसोम, ये है मेरे पास राइबोसोम दैट इज, तो मेरे पास कौन सा ईआर हुआ, ये रफ ईआर। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन्स बनेंगे इस आरएनए से, क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, ये बन गए मेरे पास प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स क्या होंगे, वेसिकल के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट वेसिकल के फॉर्म में अब गोल्जी के पास जाएंगे, जो गोल्जी का सिस फेस है, दिस इज सिस फेस, इस सिस फेस से ट्रांसपोर्ट वेसिकल अंदर जाएंगे। गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होगा, इनका मॉडिफिकेशन होगा, इन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होगा और फाइनली वो दूसरे वेसिकल के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएंगे सेल के बाहर, और ये प्रोटीन सिक्रीट हो गए सेल के बाहर। तो पहले क्या हुआ, आरएनए बना न्यूक्लियस में, आरएनए ट्रांसफर हुआ रफ ईआर के पास जिसके पास थे राइबोसोम, राइबोसोम ने क्या करा, आरएनए से प्रोटीन बना लिया, ये प्रोटीन फॉर्म ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी के पास गए सिस फेज से, गोल्जी के अंदर इनका हुआ मॉडिफिकेशन और फाइनली ये ट्रांस फेज से रिलीज आउट हो गए और वेसिकल की फॉर्म में अगेन सेल के बाहर चले गए ये प्रोटीन्स। थर्ड ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। जब पैकेजिंग होती है गोल्जी अपरेटस की तब ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं दैट इज लाइसोसोम। इसके अंदर काफी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलेजिस, लाइपेजिस, प्रोटीजिस, कार्बोहाइड्रेजिस। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये एंजाइम्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट। लाइपेजिस करता है लिपिड्स को डाइजेस्ट, प्रोटीएजिस करता है प्रोटीन्स को, एंड कार्बोहाइड्रेजिस करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट। इसके अंदर ये लाइसोसोम क्या करता है, अपने अंदर H+ को पंप कर लेता है जिससे इसका जो पीएच है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक पीएच हो जाता है। और इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, ये है हमारे पास ल्यूमन लाइसोसोम का, इसके पास कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइसोसोम इज इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। लास्ट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज वैक्यूल्स, ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है।
एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब इसके पास एक ही मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और कुछ ऐसे मटेरियल जो कि सेल को नहीं चाहिए वो कि वो वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये वैक्यूल का करता है 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है सेल का। सो दिस इज अ वैक्यूल, दिस इज अ सेल, ये है हमारे पास वैक्यूल। ये हमारा क्या करता है, 90% सेल को कवर करके रखता है। इस वैक्यूल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसके पास एक होता है सेल सैप, प्लस इसके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेल को नहीं चाहिए, और ये फर्दर बाद में सेल से रिलीज आउट हो जाते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स के क्या क्या फंक्शन है। तो पहला टाइप है वैक्यूल का सैप वैक्यूल। ये किस में होता है, ये प्लांट्स में होता है। दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट। प्लांट्स के पास होती है वैक्यूल, वैक्यूल के पास होता है टोनोप्लास्ट एज अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये टोनोप्लास्ट क्या करता है, आयंस एंड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जो कंसेंट्रेशन है वैक्यूल के अंदर हाई होगी और साइटोप्लाज्म के अंदर कम होगी। सेकेंड रोल ऑफ टोनोप्लास्ट इज ये क्या करता है, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्यूल इज फूड वैक्यूल। ये क्या करता है, फूड वैक्यूल ये कैसे बनता है, जब सेल कोई फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है बाय एंडोसाइटोसिस, उससे हमारे पास फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्या क्या फंक्शन हुए वैक्यूल के, फर्स्ट इज सैप वैक्यूल जो कि प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में टोनोप्लास्ट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है आयंस एंड मटेरियल्स को अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये क्या करता है, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज फूड वैक्यूल जो कि क्या करता है, जो कि कब बनता है, जब सेल किसी फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है एंडोसाइटोसिस से, तब हमारे पास फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। दिस इज अ वैक्यूल, ये हमारे पास है वैक्यूल, और इसके बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, जो कि क्या करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल। सो दैट्स इट। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।